हेलो, मेरा नाम उज्ज्वलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि SSC JEE मेंस के रिगार्डिंग है। कि जो आपका 6 नवंबर को पेपर होने वाला है, उसमें आपको क्या क्या चीज नहीं करनी है इन बचे हुए दिनों में, और क्या क्या चीज करनी है। देखिए, आप लोगों ने अपनी तैयारी जिन्होंने भी की होगी, उन्होंने अभी तक अपने कंप्लीट कर लिया होगा सिलेबस अपना। अब इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि अब आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। मेन गेम जो होता है वो वही होता है कि आपको अब जो आपने नॉलेज ग्रास्प की है इतने दिनों में, आपको उसको एग्जाम में जाके अप्लाई करना है और अच्छे नंबर्स लाने हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मेन पॉइंट्स जो मैंने भी फॉलो किए थे इस एग्जाम्स के लिए, तो मे बी वो आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि आपके पेपर 1 CBT 1 में प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे, क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि जो मेरिट लिस्ट बनती है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। सो अब आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देंगे कि आपके पेपर 1 में कितने मार्क्स आए थे, क्योंकि अगर आपके बहुत ज्यादा नंबर आए थे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार मैंने तो प्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, अब मेंस में तो मैं थोड़ा भी पढ़ लूंगा तो मैं बहुत अच्छा नंबर भी नहीं लाऊंगा, तो मेरा ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ये इस टाइप के थॉट्स को आपको बिल्कुल एलिमिनेट करना है। और अदरवाइज आप देखेंगे जिनके CBT 1 में कम नंबर है, तो वो ये सोचेंगे कि अब मुझे बहुत ज्यादा नंबर स्कोर करना है, तो इस चक्कर में भी वो ओवरबर्डन ले लेंगे और एग्जाम हॉल में उन्होंने वो क्वेश्चंस वो गलत करके आ जाएंगे जो बिल्कुल ही वो कभी नॉर्मल लाइफ में गलत नहीं करते थे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि आप अपने प्री के मार्क्स टोटली भूल जाइए। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि जो लोग भी नर्वस हो रहे होंगे कि पेपर बहुत पास है, अब हमारा एग्जाम है, मेंस पेपर है, फाइनल, इसके बाद सीधी, अगर ये पेपर आप निकाल लिए पेपर 1 और 1 और 2 मिला के, तो सीधा आपको जॉब लगेगी, इंटरव्यू में है नहीं। सो आप थोड़े नर्वस हो रहे होंगे। अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है वो तो बिल्कुल 100 के 100 10 मिनट में टिक करके आ जाएंगे, और जिन्होंने तैयारी की है रियलिटी में थोड़ा डर उनको ही लग रहा होगा, और भी ठंडी का मौसम है तो थोड़ी ज्यादा ही आपको ठंड फील हो रही होगी अंदर से। तो अगर आपको थोड़ा वो नर्वसनेस हो रही है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। बस आप ये अवॉइड करेंगे एग्जाम हॉल में जाकर कि ये नर्वसनेस के कारण आपका बहुत ज्यादा जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो गलती ना हो जाए। लास्ट ईयर जो SSC JEE का मेन्स हुआ था, उसमें कुछ स्टूडेंट के ओवरऑल नंबर अच्छे आने वाले थे, बट वो ओवरबर्डन लेकर कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन को गलत करके आ गए थे, जिससे वो बहुत पीछे हो गए थे रेस में। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑटो साइकिल क्वेश्चन आया था, उन्होंने गलती से वो गलत टिक कर दिया था ओवर एक्साइटमेंट में आकर। तो ये आपको बेसिक जो अवॉइड करना है, ओवर एक्साइटमेंट में आके आपको एरर कम करना है। ठीक है। आप जबरन का ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे कि आप एरर कर दें। और थर्ड पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, 2 आवर्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, तो आप एज एन इंजीनियर, हमारी आइडिया, हमको यही सिखाया गया है कि हमको हर चीज का एनालिसिस करना है। तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे पेपर देने, तो तुरंत आप उस क्वेश्चन पेपर को, ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन बनाए हैं, आप उस पेपर को तुरंत लेबल कर देंगे कि ये टफ पेपर या इजी पेपर है। बिल्कुल नहीं। जो पेपर डिसाइड होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन का ही जो सफर है उससे ही इजी और टफ डिसाइड होता है। हो सकता है कि आप जिस सिस्टम में बैठे होंगे वहां पे पहले 10 इजी क्वेश्चन आ गए हों, तो अब आपको लगेगा कि पेपर बहुत इजी है, और हो सकता है कि उस किसी सिस्टम में 10 स्टार्टिंग के ही 10 बहुत हार्ड आ गए होंगे, रैंडम आते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पेपर में। तो आप स्टार्टिंग में बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं भी पेपर दे रहा था मेन्स का, फर्स्ट टाइम उस टाइम हो रहा था मेन्स का पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे, तो जब मैंने भी पेपर दिया था स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा इजी लग रहा था क्वेश्चन पेपर, बट मैं लेबल उस टाइम नहीं किया था कि पेपर इजी है, क्योंकि आपको पता नहीं कि अगले क्वेश्चंस में जो आने वाले कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसे होंगे। तो जब मैं 50 या 60 में हो गया था, तब भी लगभग मैंने 48 करीब बना लिए थे 50 में, बट स्टिल मैं उस टाइम पे भी ये डर रहा था कि आगे हार्ड आ सकता है करके, इसलिए ओवर एक्साइटेड नहीं होना। तो उस पूरे 2 आवर्स में मैं ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ था। जब मैं फर्स्ट से 100 तक एक बार बना लिया था पेपर, तब मुझे फील आने लग गया था कि ये रिलेटिवली इजी पेपर है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने तैयारी की थी। तो जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप थोड़ा वो दिमाग लगा सकते हैं कि कितना पेपर इजी था या हार्ड था। उससे पहले आप ये फालतू का दिमाग नहीं लगाएंगे कि पेपर इजी था कि हार्ड था। आप फर्स्ट से 100 तक आप जाएंगे, एनालिसिस बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में बैठकर। ठीक है। एनालिसिस के लिए हम लोग बैठे हैं, हम लोग एग्जाम के बाद एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री में आप लोगों ने थोड़े से तुक्के भी लगा दिए होंगे, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, बट मेंस में
एज आई नो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके तो तुक्के नहीं लगाएंगे, आप उन्हीं को भी अटेम्प्ट करेंगे जो आपको पहले आते होंगे, ठीक है, जो आप जिसमें आप श्योर हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत ड्रास्टिकली आपके नंबर कम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आप गलत करेंगे तो सिर्फ एक नंबर नेगेटिव नहीं होगा, वो क्वेश्चन आप सही करते तो 3 नंबर मिलते भी आपको, तो जो डिफरेंस है वो 4 मार्क्स का क्रिएट हो जाएगा वहां पे, जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। तो सिली मिस्टेक आप अवॉइड करेंगे, टू एक्साइटमेंट जो पेपर में है ये आप बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाएंगे वो अवॉइड करेंगे, 1 to 100 जब आप डिसाइड एक बार आप गो थ्रू हो गया, आपने सॉल्व कर डाला पेपर, उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ पेपर रिलेटिवली इजी था या रिलेटिवली डिफिकल्ट था, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, तो आप उसको अवॉइड करेंगे कि आप फालतू का तुक्का नहीं लगाएं। एंड अब लास्ट इंपॉर्टेंट कि सर इन बचे हुए 1 या 2 या 3 दिन में हम क्या करें, तो जो मैंने किया था मैं आपको वो बता सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो सीरियसली तैयारी किए होंगे इस पेपर के लिए, ये जो सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे टेक्निकल की, उनके लिए सिर्फ अब एक चीज बचती है, इन बचे हुए दिन में आप रिवाइज करेंगे जो आपने नोट्स बनाए होंगे, या किसी भी अच्छी जो इंस्टीट्यूट है उनकी हैंडबुक आती है तो आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा, आपको बचे हुए दिन में सिर्फ वही करना है, इसके अलावा आपको इधर उधर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ आप एक बार रिवाइज करेंगे पूरा और उसके बाद रिलैक्स करेंगे।